हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी बिहार के सियासत में चल रहे उठापटक से दूर नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार निशाना साध रहे हैं नीतीश सरकार पर, तो वहीं हम के अध्यक्ष जीतन मांझी ने सीएम का बचाव कर नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला है। आपको बता दें, मांझी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। सोशल मीडिया के जरिए कई दंगाई तत्व संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं? तो आपको बता दें कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए ट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं, तो वहीं अब सीएम का बचाव हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने किया है और उन पर तेजस्वी यादव पर ट्वीट कर उन्होंने पलटवार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की अचानक जो तबीयत बिगड़ गई है, उस पर भी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चिंता प्रकट की है। आपको बता दें कि लालू यादव की बिगड़ी तबीयत पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है, लालू यादव जी की बीमारी बढ़ जाने की खबरों से चिंतित हूं, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे, यही कामना है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत पर भी वह फिक्रमंद हैं।